नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सालों साल चलने वाला 3 kg आम का अचार, वो भी बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 kg कच्चे आम को मार्केट में ही कट करवा लिया है। अब हम आम के पीसीज के बीच से गुठलियां निकाल लेंगे और इसको पतले और लंबे पीसीज में कट करके इनके बीच का टाइट हिस्सा हटा देंगे। आप चाहे तो छोटे पीसीज में भी कट कर सकते हैं। अब हमने सारे पीसीज को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इनको 3-4 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश करके छलनी में डाल देंगे, जिससे सारा पानी अलग हो जाए। अब आम के पीसेज से सारा पानी अलग हो गया है। अब हम इनको कॉटन के कपड़े पर धूप में 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और साथ ही में 140 ग्राम सौंफ, 140 ग्राम धनिया, 85 ग्राम राई, 30 ग्राम मेथी और 40 ग्राम कलौंजी को भी धूप में रख देंगे। अब 3 घंटे हो चुके हैं, इन्हें ज़्यादा भी नहीं सुखाना है और ध्यान रहे इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें 3.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में डालकर 24 घंटों के लिए ढककर रख देंगे। अब 24 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आम के पीसीज से सारा पानी रिलीज हो गया है। अब हम इसे छलनी में डालकर रख देंगे, जिससे सारा पानी अलग हो जाए। अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब हम 140 ग्राम सौंफ और 140 ग्राम धनिया को मिक्सी के जार में डालकर इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे। अब हम एक बर्तन में दरदरा पिसा हुआ धनिया और सौंफ डाल देंगे और साथ ही में मेथी, कलौंजी और राई को बिना पीसे ऐसे ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3.5 चम्मच नमक, 2.5 चम्मच हल्दी पाउडर और 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमें बस तेल इतना ही डालना है कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैंने यहाँ 3 कप सरसों का तेल यूज किया है। अब हम अचार को मसालों में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आम के पीसीज और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं मसाले आम के पीसीज पर अच्छे से चिपक गए हैं और अब हम इन्हें 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब 4-5 घंटे हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अचार को एक कांच के जार में डालेंगे और इसमें इतना तेल डालेंगे कि अचार तेल में डूब जाए और ध्यान रहे कांच का जार एकदम सूखा होना चाहिए। अब हम जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हर महीने इस तरीके से हिलाएंगे, जिससे ये सालों साल चले। अब हमारा सालों साल चलने वाला आम का अचार बिल्कुल रेडी है। आप इसे 1 हफ्ता जार में रखने के बाद खा सकते हैं। आप इसको एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, यकीनन आप इसको साल भर में ही चट कर जाएंगे। तो जरूर मेरे तरीके से बनाइए, खाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।